आज हम देखेंगे कि हमने अनार का ये बाय एंजाइम बनाया है ये एक अनार का छिलका डाला हुआ है और ये बॉटल में और पानी दिया हुआ है इसमें हमने कोई गुड़ नहीं डाला है और ये देखिए इतना पच्चीस परसेंट इसको खाली रखा हुआ है सेवेंटी फाइव परसेंट इसमें पानी और छिलका है और आप अब इसकी आवाज़ सुन सकते हैं तो मैं चाहूँगी आप लोग इसको क्लोजली देखें कि कैसे रिएक्ट करता है आप देख सकते हैं कि इसमें कितना गैस बना हुआ है इसमें कोई गुड़ नहीं डला हुआ है और सिर्फ ये छिलका और पानी है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और मैं इसका एक फ़ाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ तो मैंने ये और ये सेम समय उतना ही देता है जितना तीन महीने आप नॉर्मल गुड़ के साथ बनाते हैं तो आप इस तरह आप नींबू का बना सकते हैं संतरा का बना सकते हैं आप देख रहे हैं अभी भी इसमें रिएक्शन चल रहा है तो इस तरह ये देखिए ये एक बॉटल मैंने तीन महीने पहले कुछ कुछ दिन समय बाकी रह गया होगा बट आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है इसका और ये सारा क्लियर एंजाइम ऊपर रेडी हो गया है तो ये अनार का आप एंजाइम बहुत ही आसान तरीके से बिना गुड़ के बिना मेहनत के एक बार आप पानी और छिलका डाल दीजिए और आपका एंजाइम रेडी है